गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? जो जो ज्वाइन हो गया है अपना नेम मेंशन करिए कमेंट में। नीचे आपको नीचे कमेंट का सेक्शन मिल जाएगा एक, ठीक है, वहाँ पे अपना नेम कमेंट कर सकते हैं ताकि पता लग जाए मुझे कि कौन कौन ज्वाइन हो गया है क्लास में। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये वाला वेट कर लेते हैं एक मिनट बाकी सबके ज्वाइन होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीनलैंड के बारे में, ठीक है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो कि पोल की साइड है, हमारा जो नॉर्थ पोल है उस तरफ पड़ता है। वो कैसा एरिया है? वो वहाँ पर हमेशा आइस और स्नो होती है हमेशा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। आप मैप में देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का मैप है। तो ग्रीनलैंड देख लिया, ऊपर की तरफ है। वेलकम काजल, वेलकम टू द क्लास। चलिए ग्रीनलैंड में आपको मैप में दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप सामने अपनी स्क्रीन पर, ये है ग्रीनलैंड। देख पा रहे हैं आप सामने? चलिए, द एरिया फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द एंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द पोलर रीजन। अब देखिए पोलर रीजन क्या होता है, देखिए पोलर रीजन होता है यहाँ से लेके पूरा मैं शेड कर देता हूँ, वो पोलर रीजन है पूरा। देखिए ऊपर की तरफ नॉर्थ में ये वाला पोलर रीजन कहलाता है और नीचे साउथ में ये सारा जो एरिया है ये पोलर रीजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, अधिक बहुत ज्यादा। क्लियर? पोलर रीजन समझ में आया? वेलकम डिंपल, वेलकम टू द क्लास। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस और नो बताइए। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी, ये हमारी अर्थ है। देख पा रहे हैं सब? अर्थ दिख रही है आपको? ये रहा इंडिया, इंडिया है ये। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पर है? देखिए ये है ग्रीनलैंड, देख पा रहे हैं आप सामने? ये ग्रीनलैंड है पूरा। ग्रीनलैंड के इस तरफ नीचे यहां पर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इस तरफ कनाडा है और यहां पर ये यूरोप पड़ता है। देख रहे हैं आप ग्रीनलैंड जो पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, इसका नाम ग्रीनलैंड है। चलिए देखते हैं जूम करके अगर कुछ दिखता है तो ग्रीनलैंड में।
पूरा बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ है ये, ठीक है। देखिए पूरा व्हाइट है ये, देख पा रहे हैं, और ये हमारा नॉर्थ पोल है पूरा, ठीक है। तो चलिए वापिस चलते हैं अपने लेसन पे। हाँ वेलकम अंकुश, वेलकम अंकुश, वेलकम टू द क्लास। तो देखा आपने ग्रीनलैंड कैसा है, बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है वो पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ दीज एरियाज हैव एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अब जो ये जगहें हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर कैसा होता है, वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, गर्मी होती है, ठंड होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्लियर, यहाँ पे जो ठंड है वो इतनी ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं, आपने देखा भी सामने स्क्रीन पे कि आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, बस उसके अलावा कुछ और दिखाई दिया आपको? नहीं दिया दिखाई। तो इस पूरे रीजन में बर्फ ही बर्फ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द टुंड्रा रीजन। अब देखिए जो एक जगह है ये वाली, ज्यादातर समय ये किस चीज से कवर्ड रहती है, आइस और स्नो, ठीक है, बर्फ और स्नो यहाँ पे हमेशा होती है। चाहे आप कभी भी किसी भी मंथ में चले जाएं, कभी भी चले जाएं, आपको ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ ही मिलेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज द लैंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीनलैंड। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में, दोबारा देखते हैं मैप। देखिए ये वाला हिस्सा है अमेरिका, ये देख रहे हैं आप, ये है अमेरिका। तो अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है ग्रीनलैंड, है ना, और कनाडा के नॉर्थ अटलांटिक ओशन लाइंग ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, और कनाडा का ईस्ट कोस्ट ये रहा कनाडा, और उसका ईस्ट कोस्ट ये रहा, देख रहे हैं आप पूरा। चलिए वापस आते हैं। इट इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। अब जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे किसका राज चलता है, जैसे हर कंट्री में किसी ना किसी का रूल होता है, इंडिया में गवर्नमेंट है, ठीक है, अमेरिका में भी गवर्नमेंट है, कनाडा में भी गवर्नमेंट है, तो ग्रीनलैंड में किसका गवर्नमेंट चलती है? तो ग्रीनलैंड में एक और कंट्री है डेनमार्क, उसका चलता है, उसका रूल चलता है पूरा यहाँ पे ग्रीनलैंड में। क्लियर, मैं दिखा देता हूं आपको डेनमार्क कहां पर है। देखिए छोटी सी कंट्री है ये डेनमार्क, देख रहे हैं यहां पे, ये है डेनमार्क, इतना सा बस, और छोटी सी कंट्री देखने में अगर कहा जाए, और इसका है ये पूरा आइलैंड, ये जो पूरा ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का है, ठीक है। एक बार अमेरिका ने इसे खरीदने की भी कोशिश करी थी डेनमार्क से, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन लैंड हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 2,170,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब जो पूरा जो हमारा ग्रीन लैंड था जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसका एरिया कितना है? 2 मिलियन, ठीक है, कह सकते हैं 21,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इतना बड़ा है ये। आइलैंड इज द नियरेस्ट, आइसलैंड इज द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री, द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यूक गोडथाम। ठीक है, जो ग्रीनलैंड की सबसे पास कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। अभी हमने देखा था मैप में आइसलैंड भी था, दोबारा देखिए, देखिए ये रहा ग्रीनलैंड और ये है आइसलैंड, देख रहे हैं आप यहाँ पे, आइसलैंड ये है और ग्रीनलैंड ये है। ग्रीनलैंड तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है और आइसलैंड में बर्फ नहीं है, है ना? द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड इज नूक, ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक। और क्या कहा जाता है इसको? गॉड थाम। चलिए मैं आपको कैपिटल दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर मिलती है तो इसमें कैपिटल। देखिए ये है नूक, दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर नूक, ये है कैपिटल पूरे ग्रीनलैंड की, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम, और नूक को गॉड थॉप भी कहा जाता है। मोर देन 4/5 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ग्रीन लैंड हैज अ माउंटेनियस लैंड सरफेस कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। अब देखिए पूरा जो ग्रीन लैंड है इसका 4/5, मतलब अगर पूरे ग्रीन लैंड को हम 5 हिस्सों में बांट दें, उसमें से 4 हिस्से ऐसे मिलेंगे जहाँ पे माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, और उन माउंटेन पे हमेशा बर्फ और स्नो रहती है, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं पूरा वाइट वाइट, ये पूरा वही जगह है। और जो आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर, ये है जहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी पूरा माउंटेनियस रीजन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, द कोस्टल एरियाज हैव लो माउंटेन्स थ्रू द गैप्स इन द माउंटेन्स आइस स्पिल्स इन टू द सी फ्रॉम द ग्लेशियर्स व्हेन आइस रीचेस द वाटर इट समटाइम्स ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट्स आउट इन टू द सी एज आइसबर्ग। अब देखिए अभी हमने थोड़ा जो मैप देखा था, देखिए एक बार दोबारा से, अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा बाहर दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए बिल्कुल, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है, देख पा रहे हैं गैप आप, ये बताइए यस और नो, ये गैप देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे गैप है, इधर गैप है, देखिए इस तरफ भी बहुत सारा गैप है। तो क्या होता है इन गैप में से जो ये पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होती है ये टूट के यहाँ से पानी में चली जाती है, ठीक है, यहाँ से टूट के ये पानी में चली जाती हैं और पानी में ये तैरने लग जाती है, बहुत मोटी मोटी बर्फ होती है ये, ठीक है, और पानी में ये तैरने लग जाती है, इन्हीं को आइसबर्ग कहते हैं, आपने नाम सुना होगा आइसबर्ग, इन्हीं चीज को कहते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि पानी में फ्लो करते हैं, इनको आइसबर्ग कहा जाता है, क्लियर, क्लियर है आइसबर्ग। आइसबर्ग्स मे बी मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग एंड वे मिलियंस ऑफ टन्स।
अब देखिए जो आइसबर्ग होते हैं ना, ये बहुत किलोमीटर, दो दो तीन तीन 4 किलोमीटर लंबे भी होते हैं, और इनका जो वजन होता है रेलगाड़ियों से भी भारी भारी होते हैं, रेलगाड़ी के बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से भी भारी इनका वेट होता है। ठीक है, अबाउट 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज ऑलवेज इनसाइड द वॉटर। अब देखिए जो आइसबर्ग होता है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ आइसबर्ग की। देखिए आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आइसबर्ग का जो 90% हिस्सा होता है वो हमेशा पानी के नीचे ही रहता है। देख रहे हैं आप सामने आइसबर्ग, देखिए पानी के ऊपर तो कितना छोटा सा दिख रहा है कि छोटा सा होगा, लेकिन पानी के अंदर देखिए कितना गहराई तक गया हुआ है ये, देख पा रहे हैं। चलिए, वॉट वी सी इज ओनली इट्स स्मॉल टिप, और हमें पानी के बाहर क्या दिखाई देती है उसकी स्मॉल टिप। टिप क्या होती है? चोटी जो होती है ऊपर की, बस वही दिखाई देती है हमको। आइसबर्ग्स आर मेजर हैजार्ड्स टू द शिप्स, अ कोलिजन विद एन आइसबर्ग कैन डिस्ट्रॉय डिजास्टर्स। अब देखिए आइसबर्ग जो है ये किसको ज्यादा परेशान करते हैं? जो शिप्स होते हैं, जो पानी में शिप्स चलते हैं ना बड़े बड़े भारी भरकम, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है इनसे। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन पानी के नीचे ही बहुत गहराई तक जाते हैं। अगर आपको याद हो नीचे लिखा भी है, देखिए, इन 1912 द ह्यूज शिप कॉल्ड द टाइटैनिक स्ट्रक एन आइसबर्ग एंड सैंक विथ 1500 पैसेंजर्स एंड क्रू। अब 1920 में एक शिप था टाइटैनिक, आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें भी यही होता है, जो शिप ये होता है एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो पहले देख तो लेते हैं कि आइसबर्ग है, लेकिन उनको ऊपर से बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, उनको लगता है इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी आपने इमेज देखी जैसे कि बहुत गहराई तक गया होता है आइसबर्ग, इसलिए देख नहीं पाए, और वो टाइटैनिक उससे टकरा गया, और फिर वो टाइटैनिक जो है डूब गया था। उसमें 1500 लोग थे, पैसेंजर्स मिला के और उसमें काम करने वाले सबको मिला के। क्लियर हुआ? चलिए अब पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, के जो ग्रीनलैंड है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन वहाँ पे क्या क्या उगता है। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट कैसा है ग्रीनलैंड का? वेरी कोल्ड थ्रू आउट, पूरे साल बहुत ठंड होती है यहाँ पर। ऑन द आइस कैप्स द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए जो बर्फ होती है वहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है कि आप जाके जम जाओ, कोई भी चीज जम जाएगी वहां जाके। विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ विंटर बहुत ठंडी होती है। द सन डज नॉट राइज अबव द होराइजन एंड फॉर सेवरल वीक्स वी मे नॉट सी द सन और सनलाइट। अब देखिए यहाँ पे कितने हफ्ते निकल जाते हैं कि सूरज भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो कंट्री है ये ऐसी जगह पर है अर्थ की जहाँ से सूरज भी बहुत कम दिखाई देता है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, देखिए नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास है ग्रीनलैंड, और डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क के अंदर आता है पूरा, आइसलैंड सबसे पास है इसके। सूरज देखने को भी नहीं मिलता हफ्तों तक यहाँ पर, तो जब सूरज ही नहीं निकलेगा तो कितनी ठंड होगी सोचो। द क्लाइमेट अलोंग द कोस्ट इज प्लेजेंट इन द समर सीजन, द वेदर बीइंग यूजुअली सनी एंड ड्राई। अब देखिए जो कोस्ट एरिया है, मतलब जो समुद्र का किनारे का जो एरिया था, वहाँ पे जो तापमान है वो थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, ठीक रहने का मतलब ये नहीं कि बर्फ गर्मी पड़ती है, वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है, मतलब इतना रहता है कि वहाँ पे बर्फ इतनी नहीं होती, ठीक है, कि जमा दे, वहाँ पे लोग रह सकते हैं, इतना होता है वहाँ पे। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए। सिंस द होल आईलैंड इज कवर्ड विद आइस देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन।
अब देखिए क्योंकि पूरा आइलैंड बर्फ से ढका हुआ है, अब इतनी बर्फ में क्या सब्जी उगेगी, यहाँ पे ना सूरज निकलता है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और बर्फ ही बर्फ हर जगह है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन शॉर्ट ग्रास मॉसिस एंड लाइकेन्स ग्रो, देयर इज नॉट मच इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेप्ट हंटिंग एंड फिशिंग। अब देखिए यहाँ पे जब गर्मियाँ पड़ती हैं, जो समुद्र के किनारे का था वहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ उग जाते हैं, छोटी मोटी घासें, ठीक है, ये उनको खा लिया करते हैं, और यहाँ पे कुछ काम करने के लिए कुछ है भी नहीं, यहाँ के लोगों का बस एक ही काम है, क्या काम है, हंटिंग और फिशिंग, शिकार करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं बस, ये उन्हीं को खाते हैं, क्लियर। चलिए वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं कि वहाँ के जंगली जानवर कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द फर बियरिंग एनिमल्स विच कैन बियर एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड इन दिस आइलैंड। अब देखिए यहाँ पे किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर फर वाले, मतलब जिनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल फर से लदी रहती है, जो उनकी खाल होती है उस पर रुआ होता है, ऊन होता है, शीप देखिए आपने, शीप उसकी जिस तरह की बॉडी होती है उस तरह की बॉडी वाले ही एनिमल्स यहाँ पर टिक पाते हैं, मोटी घास हो, लंबे लंबे बाल हो उन पे, ठीक है। और कौन कौन से हैं ये, पोलर बियर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स, वॉल्फ लाइक डॉग और हस्कीज, यहाँ पे ये सब एनिमल्स ही पाए जाते हैं, क्लियर हुआ, क्लियर है, आगे बढ़े हम। रेनडियर होता है बारासिंगा, आर्कटिक फॉक्स एक लोमड़ी होती है जो कि उस एरिया में पाई जाती है, मस्क ऑक्स एक सांड जैसा होता है, ठीक है, मोटा तगड़ा होता है वो, देखता हूँ मैं इमेजेस है तो यहाँ पर, देखिए ये है, देख रहे कितनी मोटी चमड़ी है इसकी, कितने मोटे मोटे बाल हैं इसकी बॉडी पे, देखिए ये है मस्क ऑक्स, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट, अगर कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। सील्स एंड वेल्स आर आल्सो फाउंड अलोंग द कोस्ट विच आर हंटेड बाय द पीपल। अब देखिए यहाँ के समुद्र के किनारे पे सील पाए जाते हैं और वेल जो फिश होती हैं बड़ी बड़ी वो पाई जाती हैं। सील्स क्या होती हैं आपने देखे होंगे, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए ये होते हैं सील्स, देख पा रहे हैं आप, ये होते हैं सील्स और वेल तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हस्कीज आर इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल अलोंग द कोस्ट विच आर हंटेड बाय द पीपल। अब हस्कीज यह है एक जंगली कुत्ता होता है, ठीक है, हस्कीज एक तरह का जंगली कुत्ता होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ का, वो यहाँ पे लोगों के काम भी आता है और उसका वो शिकार भी करते हैं। क्लियर है, देखिए इमेजेस में दिखा देता हूँ आपको हस्कीज कैसे होते हैं, देखिए ये है हस्कीज, देखने में डॉग की तरह ही होते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, अब देखिए चलिए पढ़ते हैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जिंदगियां किस तरह के, लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं सारा दिन। द नेटिव पीपल कॉल्ड ग्रीनलैंडर्स आर मोस्टली एस्किमोस। अब जो यहाँ के जो पूर्वज हैं, जो पहले के रहने वाले हैं, जिनको ग्रीनलैंडर्स कहा जाता है, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस कहा जाता है, ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को ग्रीनलैंडर्स कहा जाता है,
यहाँ के लोग ज्यादातर एस्किमोज हैं। एस्किमोज आप सभी को पता है, जो बर्फीली जगहों में रहते हैं। दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व टू कोप अप विद द हार्श क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट। अब इन लोगों ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि ये इतने ठंडे और खतरनाक जगहों में, क्लाइमेट में, ये अपने आप को रख पाते हैं जिंदा। देयर बॉडीज आर शॉर्ट एंड स्टाउट विद अ येलोइश कॉम्प्लेक्स। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटी हाइट के होते हैं, ठीक है, येलो कलर की बॉडी होती है इनकी ज़्यादातर। एस्किमोज आर एक्सपर्ट इन फिशिंग एंड हंटिंग, दे हंट सील, वेल्स एंड पोलर बियर्स। अब जो एस्किमोज होते हैं ये हंटिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं ये। क्या क्या हंट करते हैं, सील्स हंट करते हैं, वेल और पोलर बियर पकड़ते हैं ये। इन समर एस्किमोज इरेक्ट टेंट्स मेड ऑफ सील और रेनडियर्स हाइट, व्हाइल इन विंटर्स दे कंस्ट्रक्ट इग्लूज। अब देखिए जो सर्द गर्मियों में क्या करते हैं लोग, ये टेंट बना के रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो सर्दियां रहती हैं जब, फिर ये इग्लू बना लेते हैं। इग्लू आप सबने देखा, ये बर्फ का बना हुआ घर होता है, सर्दियों में ये इग्लू बना लेते हैं। मैन एंड वुमेन वियर ऑलमोस्ट द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स। अब यहाँ पे मैन वुमेन सेम तरह के कपड़े ही पहनते हैं। द कोट और जैकेट हैज अ हुड कॉल्ड परका। अब इनके जो कोट होता है, जैकेट होता है, उसमें हुड होता है। हुड होता है जो कि कोट में अटैच कैप होती है ना, जो हुड पहनते हैं ऊपर से, वो होता है हुड, उसे परका कहा जाता है। दे जनरली वियर डबल ट्राउजर्स एंड हाई बूट्स ऑल्सो मेड ऑफ स्किन। अब ये ज़्यादातर डबल पैंट पहनते हैं, दो पैंट पहनते हैं, लंबे लंबे जूते पहनते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की स्किन से बने होते हैं, क्योंकि इन्हें गर्म रखना अपने आप को, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। We think that Eskimos always live in igloos or snow houses. हमें लगता होगा कि igloos जो है, igloos नहीं, Eskimos जो है वो हमेशा igloo में रहते होंगे और बर्फ के बने घरों में रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। In the language of Eskimo, igloo means any house, whether it is made of ice, bricks, wood, stone or animal skin. अब देखिए Eskimos की भाषा में igloo का मतलब होता है घर। अब वो घर किसी भी चीज़ का हो सकता है, बर्फ की ईंटों से बना हो, लकड़ी से बना हो, पत्थर से, या जानवरों की स्किन का वो टेंट बना लेते हैं गर्मियों में, जो मैंने आपको बताया उससे बना हो चाहे वो। एस्किमोज आर हार्डी एंड चीयरफुल पीपल। ठीक है, एस्किमोज किस तरह के लोग हैं, हार्डी। हार्डी कैसे होते हैं और चीयरफुल मतलब खुश रहने वाले। हार्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जो सब कुछ झेल सके, ठीक है, हार्ड, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं ये, मजबूत लोग होते हैं, हिम्मत वाले और चीयरफुल खुश लोग होते हैं बहुत ही। दे ऑल्सो हॉस्पिटेबल एंड हेल्प स्ट्रे हंटर्स विद फूड एंड शेल्टर। अब देखिए ये बहुत ही हॉस्पिटेबल होते हैं, मतलब परोपकार भी होते हैं ये लोग बहुत ही। जो अगर जानवर घायल हो जाता है इनका, तो उसको दवा पानी भी करते हैं, उनको खाना भी देते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द एस्किमोज लिव इन मॉडर्न हाउसेज। लेकिन आज के टाइम में जब इतना कुछ बदल गया है, तो इन लोगों के घर भी बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, ये भी आजकल नए तरह के घरों में रहते हैं, वहाँ पर बना लेते हैं। ऑन लैंड द एस्किमो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन स्लेजेस। अब देखिए जब ज़मीन पे इन्हें चलना हो, तो ये एक जगह से दूसरी जगह स्लेजेस में जाते हैं। स्लेजेस क्या होता है, आपने सेंटा क्लॉज देखा होगा जिस पे बैठा होता है, उसको स्लेज कहते हैं। पुल्ड बाय रेनडियर और अ टीम ऑफ टफ वोल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्कीज। या तो उसको जो स्लेज होता है रेनडियर से खींचता है, या फिर बहुत सारे कुत्तों को ये बांध देते हैं और कुत्ते उसे खींच के ले जाते हैं। बोट्स कॉल्ड कयाक्स आर स्किन कवर्ड कैनोइज विच कैन होल्ड ओनली वन पर्सन। अब देखिए यहाँ पे बोट किस तरह की चलाते हैं लोग, ये कयाक चलाते हैं। कयाक एक ऐसी बोट होती है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है और बहुत ही पतली होती है ये। अगर आप कभी ऋषिकेश गए होंगे तो यहाँ पे भी कुछ लोग चलाते हैं इस बोट को, कयाक को, ठीक है। आप इमेज पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कयाक एक पतली सी बोट होती है, इसमें एक पर्सन ही बैठ सकता है बस।
दीज आर यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल्स. इसका यूज किस लिए करते हैं वो, ताकि जो समुद्र में जानवर है उनको पकड़ सके जाके. क्लियर. सम पीपल यूज अ ब्रॉडर बोट कॉल्ड उमाइक. कुछ लोग चौड़ी बोट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम उमाइक कहता है. ठीक है. इट इज यूज फॉर वेलिंग एंड ऑल्सो फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन. अब इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं लोग, वेलिंग के लिए. वेलिंग क्या होता है, वेलिंग होता है वेल जो फिश होती है उसका शिकार करना, उसको वेलिंग कहते हैं. ठीक है. जो बड़ी बोट होती है उमाइक उमियाक उमियाक नाम है इसका, उसका इस्तेमाल ये बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं और लोगों को बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए भी करते हैं. न्यू वेज ऑफ लिविंग. अब देखिए यहाँ पे नया तरीका क्या क्या है अब रहने का. द लाइफ स्टाइल ऑफ एस्किमोज हैज चेंज. सीसी म्यूट फॉर्मली होल्स्टेनबर्ग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन ग्रीनलैंड. फिशिंग इज द प्रिंसिपल इंडस्ट्री इन सीसी म्यूट. अब देखिए सीसी म्यूट जो कि पहले होल्स्टेनबर्ग कहा जाता था इसका, ये ग्रीनलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. यहाँ पे मेन काम क्या है, फिशिंग करना, मछलियाँ पकड़ना, वही यहाँ पे काम है. ठीक है. यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत बदल चुकी है. देखिए आप इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक किला सा बना दिया इन्होंने, है ना. ग्रेटली सिंस दे आर कॉन्टेक्ट विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. जब से ग्रीनलैंड के लोग बाहर की कंट्रियों के कॉन्टेक्ट में आए हैं तो यहाँ पे बहुत बदलाव हुआ है, यहाँ पे बहुत विकास हुआ है. ठीक है. नाउ दे लिव इन परमानेंट हाउसेस विथ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, अब ये परमानेंट हाउसेस में रहते हैं, यहाँ पे बिजली भी आ गई है. अब दे यूज मशीनरी लाइक आउटबोर्ड मोटर्स एंड पावर्ड स्लेजेस. अब ये लोग मशीन्स यूज करते हैं, आउटबोर्ड मोटर्स, मोटर्स यूज करते हैं बर्फ पे चलने के लिए, मोटर वाली स्लेजेस यूज करते हैं चलने के लिए. ठीक है. स्टील के नाइफ यूज करते हैं और अब रेडियो और टेलीविजन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. दे यूज राइफल्स फॉर हंटिंग एंड मोटर बोट्स फॉर फिशिंग. ये लोग क्या यूज करते हैं, राइफल्स यूज करते हैं. राइफल होती है बंदूक होती है लंबी नली वाली. ठीक है. किस लिए यूज करते हैं उसको, हंटिंग करने के लिए, और फिशिंग करने के लिए अब ये मोटर बोट्स यूज करते हैं, इसमें मोटर लगी होती है. अब इनको हाथ से चक्कू नहीं चलाने पड़ते, मोटर लगी हुई इंडर बोट यूज कर लेते हैं ये लोग. द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री सच एज ऑयल ड्रिलिंग एंड माइनिंग हैव ड्रॉन द एस्किमोज इनटू अ न्यू मॉडर्न वर्ल्ड. अब देखिए यहाँ पे कुछ नई नई इंडस्ट्रीज भी आई हैं. कौन कौन सी आई हैं, ऑयल ड्रिलिंग तेल निकालने की, माइनिंग, माइनिंग होती है खदान खोदना. ठीक है. ताकि और इसी की वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगियों पर भी बहुत असर पड़ा है, बहुत चेंजेस आए हैं इनकी जिंदगी पे. मैनी फर फार्म्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू ब्रीड एनिमल्स. अब देखिए यहाँ पे फर फार्म, जो एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे उनकी जो खाल होती है उसका ये लोग बिजनेस भी करते हैं अब. ठीक है. उसको उतारते हैं, बेचते हैं मार्केट्स में दूसरे देश के लोगों को. ठीक है. मैनी हैव सेटल्ड इन सिटीज लाइक नूक एंड एयर सर्विसेज हैव ब्रॉट देम क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब देखिए ज्यादातर लोग यहाँ पे नूक में ही रहते हैं, जो सिटी है यहाँ की कैपिटल उसमें ही रहते हैं, और यहाँ पे अब एयर से भी आ सकते हैं, मतलब प्लेन्स के या हेलीकॉप्टर के जरिए, छोटे उनके जरिए भी ग्रीनलैंड में पहुंचा जा सकता है, जिसकी वजह से अब ग्रीनलैंड पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे अब जाया जा सकता है. क्लियर. बताइए स्टूडेंट, समझ में आया पूरा लेसन आप सभी को, लेसन हमारा एक कंप्लीट हो गया है यहाँ पर. चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं.
आया समझ में आप सभी को पूरा लेसन ये? चलिए शुरू करें एक्सरसाइज इसकी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पे कर रखे हैं पहले से ही। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं पूरे। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको आप दोबारा यहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे वीडियो वापस आके वीडियो दोबारा ऑन करके आप इस पर पॉज कर देना और उसको नोट कर लेना, क्लियर। बाकी भी हैं यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बाकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम पहले। चलिए बताइए अब आंसर जल्दी जल्दी। फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, जल्दी बताइए आंसर। बताइए जल्दी से आंसर, कौन सा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड। ग्रीनलैंड है, बिल्कुल सही है। काजल का आंसर बिल्कुल ठीक है, विकास कुमार आप काजल ही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डैश इज द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री। सबसे पास की यूरोपियन कंट्री कौन सी है ग्रीनलैंड से, बताइए। हमने पढ़ा था कौन सी है सबसे पास कंट्री। आइसलैंड है, बिल्कुल ठीक है। अंकुश का आंसर ठीक है, डिंपल का भी आंसर ठीक है, सेकंड का आंसर। चलिए थर्ड, द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड इज। थर्ड का भी आंसर बताइए स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से। क्या आंसर है थर्ड का, क्या है कैपिटल? नूक। चलिए फोर्थ पे आते हैं अब हम। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज वेरी। ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है, बताइए। आप सभी को पता है नूक, बिल्कुल ठीक है। डिंपल का आंसर ठीक है, अंकुश का भी ठीक है आंसर। क्लाइमेट कैसा है ग्रीनलैंड का, कोल्ड। काजल का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए फिफ्थ हो गया, फिफ्थ पे आते हैं। द कोट और जैकेट हैज अ हुड कोल्ड। जो कोट और जैकेट पे इनका हुड होता है, हुड मतलब होता है अटैच होती है ना, कैप होती है जिसमें टी शर्ट से अटैच कैप होती है जो आप भी पहनते हैं, उसको हुड कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं ग्रीनलैंड में, उसे कहते हैं परका, बिल्कुल ठीक है। कोल्ड, अंकुश ठीक है आंसर, काजल ठीक है, डिंपल का भी आंसर ठीक है,
चलिए इग्लूज आर, इग्लूज क्या है? स्नो हाउसेस, बर्फ के घर हैं ये, ठीक है। स्नो हाउसेस बिल्कुल ठीक है अंकुश का आंसर। डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? सिसिम्यूत, ठीक है अभी पढ़ा है हमने। ठीक है आंसर काजल, अंकुश, डिंपल आप सभी का आंसर ठीक है। एट, डैश इज अ स्मॉल नैरो वन मैन बोट यूज्ड फॉर हंटिंग एनिमल्स, कौन सी है जो छोटी सी बोट होती है उस पर एक इंसान ही बैठ सकता है, उसको हंटिंग के लिए यूज करते हैं, क्या है वो? कयाक, अभी पढ़ा था हमने। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर अंकुश, डिंपल, काजल आप तीनों का आंसर ठीक है। चलिए टिक द करेक्ट, ठीक है आप टिक करिएगा। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ कनाडा, ग्रीनलैंड कनाडा का पार्ट है, नहीं है ना। स्लेजिस आर व्हील लेस कार्ट, स्लेजिस ऐसे हैं जिनमें पहिए नहीं होते, बिल्कुल ठीक है उनमें पहिए नहीं होते। द बोट यूज बाय एस्किमोस फॉर वेलिंग इज कॉल्ड कयाक, क्या वेलिंग, वेल मछली इसको पकड़ने के लिए जो बोट यूज करते हैं कयाक होती है वो? नहीं, उसका नाम था उमियाद, ठीक है यहाँ आ जाएगा क्रॉस। आइसबर्ग्स मे बी मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग, बिल्कुल ठीक बात है, आइसबर्ग बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं। न्यूक इज द पोर्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड, न्यूक एक पोर्ट टाउन है, पोर्ट का मतलब है क्या, बंदरगाह है वो एक, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ मैं देख के एक बार। ठीक है हाँ बिल्कुल, न्यूक जो है एक समुद्र के किनारे बसा हुआ है और ये सबसे मेन जगह है वहां पे आने जाने की, ठीक है ये पोर्ट है। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो गया ये वाला, तो फ्रेंड्स बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको। तो जो बुक का काम है वो आप बुक में कंप्लीट कर लेंगे, जो नोटबुक का काम है वो आप नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा काम, बताइए हो जाएगा ना काम सभी का, यस और नो? चलिए फिर अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप अपनी नोटबुक और बुक का काम जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है थैंक यू एवरीवन, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।